Dear students, welcome in the lecture on metal clusters, and this is the lecture that introduce and let you know about the classification of metal clusters. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस metal cluster के lecture में, जहाँ पर हम introduction पढ़ेंगे metal clusters का and उनका classification study करने वाले हैं. Okay? So what are metal clusters? मेटल क्लस्टर्स क्या है? तो मेटल क्लस्टर्स क्या है? मेटल क्लस्टर्स आर द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस. सो दीज आर द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस दैट आर हैविंग मेटल मेटल बॉन्ड्स, जिनमें क्या होगा, मेटल मेटल बॉन्ड पाया जाएगा. तो मेटल क्लस्टर मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग मेटल मेटल बॉन्ड एंड दे आर मेटल क्लस्टर्स. बहुत लंबी रेंज होती है मेटल क्लस्टर्स की, काफी तरीके के मेटल क्लस्टर्स हो सकते हैं अभी जिसको हम देखेंगे, जिसको हम क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे. तो मेटल क्लस्टर में जो मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं? ओके, सो मेटल मेटल बॉन्ड बिटवीन टू मेटल सेंटर्स इन अ मेटल क्लस्टर इट अकर्स पर्टिकुलरली इन बिटवीन टू ट्रांजिशन मेटल्स. तो जनरली जो मेटल क्लस्टर में जो मेटल मेटल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, टू मेटल सेंटर्स के बीच में फॉर्म होता है. टू मेटल सेंटर्स के बीच में फॉर्म होगा, कभी कभी आप देखेंगे थ्री मेटल सेंटर्स के बीच में भी फॉर्म हो सकता है, और जनरली पर्टिकुलरली ट्रांजिशन मेटल एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं. बट कई बार आप देखेंगे जैसे बोरेन से कार्बोरेन से, तो वहां पर आप देखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और वहां पर आप देखेंगे कि जो एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल क्लस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं. ये जो बॉन्ड है मेटल और मेटल के बीच का, इट मे वेरी फ्रॉम सिंगल टू क्वाड्रपल. तो ये जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है मेटल मेटल के बीच में, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और टेट्रावेलेंट बॉन्ड हो सकता है. तो ये वेरी करता है किस तरीके का मेटल क्लस्टर है एंड किस तरीके के मेटल्स वहां पर हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि जो मेटल मेटल बॉन्ड है वो किस तरीके का होगा. और ये जो इसकी टेंडेंसी होती है मेटल मेटल बॉन्ड बनाने की, किसकी, ट्रांजिशन मेटल्स की. तो जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं जनरली दे फॉर्म मेटल क्लस्टर्स एंड द टेंडेंसी टू फॉर्म द मेटल क्लस्टर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स एंड डी ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो ये क्यों होता है, क्योंकि वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इनके ट्रांजिशन मेटल्स के एस ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं, और डी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इसलिए ये आसानी से क्या बना सकते हैं, मेटल मेटल क्लस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो अब हम देखेंगे कि किस किस तरीके से मेटल क्लस्टर्स में जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्सेस. तो आप देखेंगे जो Hg2Cl2 है, इट इज द फर्स्ट डी ब्लॉक मेटल मेटल बॉन्डेड स्पीसीज. तो ये सबसे पहले डिस्कवर की गई थी. मोस्ट ऑफ दी मेटल क्लस्टर्स दे आर होमोमेटेलिक इन नेचर. जनरली जो जो मेटल क्लस्टर्स होते हैं वहां पर जो दो तरीके के मेटल सेंटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, फ्यू एक्सेप्शंस विद हेट्रोमेटेलिक क्लस्टर कॉम्प्लेक्सेस. तो बहुत कम ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेटल क्लस्टर्स होते हैं, जहां पर आप देखेंगे दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स के बीच में मेटल मेटल बॉन्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर Mn का कार्बोनिल है, जहां पर Mn और Mn के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है. यहां पर आप रीनियम का कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल का होमो मेटलिक अगेन कॉम्प्लेक्स है, जहां पर आप देख रहे हैं चार बॉन्ड हैं, क्वाड्रपल बॉन्ड है मेटल मेटल के बीच में. और यहां पर आप देख रहे हैं क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम का क्लस्टर, जहां पर आप देख रहे हैं क्रोमियम और क्रोमियम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. तो ये जो मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है इट कैन वेरी फ्रॉम मेटल क्लस्टर टू मेटल क्लस्टर एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल क्लस्टर्स हैविंग सेम काइंड ऑफ मेटल सेंटर. सो दीज आर मेटल होमोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस. तो ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, होमोमेटेलिक क्लस्टर्स मिलेंगे. अब मैंने आपसे कहा जो मेटल क्लस्टर्स हैं वहां पर जनरली तीन तरीके के बॉन्ड देखने को मिलते हैं, तीन तरीके के बॉन्ड होंगे. क्योंकि बॉन्ड आपने देखा कि मल्टीपल हो सकते हैं, तो मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल में जो बॉन्डिंग है इट मे बी कोवेलेंट बॉन्ड.
जो मल्टीपल बॉन्डिंग शो करते हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा डेटिव बॉन्ड ये शो कर सकते हैं, और जो तीसरे तरीके के जो इंट्रैक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं मेटल मेटल क्लस्टर के बीच में, वो हो सकते हैं वीक मेटल मेटल इंट्रैक्शंस। तो आप जानते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वहां पर दो मेटल सेंटर क्या करते हैं, आपस में जो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो ओवरलैप करते हैं और सिंगल या डबल या ट्रिपल या क्वाड्रपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरे तरीके के जो बॉन्ड होंगे वो डेटिव बॉन्ड होंगे, और जहां पर आप देखेंगे कि एक का तो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और एक का क्या होगा, फिल्ड ऑर्बिटल होगा। तो जो फिल्ड ऑर्बिटल होगा वो जो जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इस तरीके से ये डेटिव बॉन्ड कहलाएगा। और जबकि आप देख रहे हैं जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इस तरीके का बॉन्ड होगा जहां पर शेडिंग होगी। और वीक मेटल इंटरेक्शंस तो आप जानते ही हैं, जहां पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो सकते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में ये इंटरेक्शन होते हैं जिनको हम वैन डेर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये बड़े मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले इंटरेक्शंस जो हैं वो क्या कहलाएंगे, वीक इंटरेक्शंस। तो ये तीनों तरीके के हो सकते हैं, देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग दीज थ्री टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन द मेटल क्लस्टर्स। तो अब हम देखेंगे जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो मेटल क्लस्टर में किस तरीके से हो सकता है। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इट मे बी सिग्मा, इट मे बी पाई, इट मे बी डेल्टा। तो तीन तरीके के बॉन्ड जनरली यहां पर बनते हैं बच्चों। जो तीन तरीके के बॉन्ड हैं ये हो सकते हैं सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। अब जो सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि आप जानते हैं कि देयर आर 5d ऑर्बिटल्स, 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5d ऑर्बिटल्स में से जो dz स्क्वायर है, तो dz स्क्वायर इस तरीके से अरेंज रहता है कि वो देखिए हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है सबसे पहले होता है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। देन एक जो डी ऑर्बिटल है वो यूज हो गया, उसके बाद आप देखेंगे जो दो डी ऑर्बिटल हैं, जो कि जिसमें से एक है dyz एंड एक है dxz, तो ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो इस तरीके से ओवरलैप करते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग आप देख रहे हैं, देखिए ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद दो ऑर्बिटल और बचे हुए हैं, एक है dxy और एक है dx2y2। तो यहां पर जो मैंने दिखाया वो dxy है, अगेन आप देखेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग ये ग्रीन होगा, सो ये क्या कर सकते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग कर सकते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग करके दे कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। लेकिन आप देखेंगे कि जो dx2y2 होता है वो जनरली, ये अभी आप देखेंगे कि ये जनरली डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ये जो चार ऑर्बिटल हैं जनरली दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड इन द मैट्रिक्स क्लस्टर्स, सो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड, जनरली ये चार तरीके के बॉन्ड आप देखेंगे बनेंगे, और जो बॉन्डिंग है वो क्वाड्रपल बॉन्ड तक बनता है। dx2y2 जनरली दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ मेटल बॉन्ड, उनके साथ बॉन्डिंग बनाने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि मेटल और मेटल के अलावा और भी दूसरे लिगेंड्स होते हैं, तो उनके साथ इसकी सिमेट्री मैच करती है और उनके साथ ये बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मेटल के एक, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो मेटल क्लस्टर है इट इज द बॉन्डिंग बिटवीन टू मेटल सेंटर, तो एक मेटल के पास 5d ऑर्बिटल्स हैं और दूसरे के पास भी 5d ऑर्बिटल्स हैं, नंबर बोल रही 5d ऑर्बिटल्स, सो 5 + 5 10 ऑर्बिटल। तो 10 ऑर्बिटल्स में क्या होगा कि जो dz स्क्वायर होगा, तो इस मेटल का dz स्क्वायर और इस मेटल का dz स्क्वायर जब कंबाइन करेंगे लीनियरली तो एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार बॉन्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। देन इसके जो होंगे dyz एंड dzx, ये दो ऑर्बिटल जब दूसरे मेटल के दो ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे तो दो पाई और दो पाई स्टार ऑर्बिटल्स, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। सो दीज आर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ये क्या है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। देन आप जानते हैं कि एक है dxy, एक है dx2y2, तो ये भी दो ऑर्बिटल हैं, ऐसे दो ऑर्बिटल दूसरे मेटल सेंटर के भी ओवरलैप कर सकते हैं, और एक दो डेल्टा और दो डेल्टा स्टार मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं 10 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। बट इफ दिस dx2y2 विल पार्टिसिपेट इन अदर काइंड ऑफ बॉन्डिंग, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है जनरली, अगर सारे के सारे मॉलिकुलर ऑर्बिटल भरे हों और सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली हों। तो आप देखिए अगर यहां पर 1 2 3
चार पांच, तो ये क्या है, दीज आर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, दीज आर BMOs, एंड अगर ये BMOs भरे हुए हों यानी 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और ये जो एंटी बॉन्डिंग है, दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये एंटी बॉन्डिंग तो खाली है, एम्प्टी है मान लीजिए, और ये जो बॉन्डिंग है ये भरे हुए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो मैक्सिमम बॉन्ड इसे कितने बनाने चाहिए, 5 बॉन्ड मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि एक में d5 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में भी d5, तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन अगर भर जाएंगे तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, 5। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है इन प्रैक्टिस, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो मैक्सिमम कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो dx²y² ऑर्बिटल होता है, इट जनरली इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग विद द अदर लिगेंड्स, एंड इट इज दस इट इज अनअवेलेबल फॉर मेटल मेटल इंटरेक्शन। तो ये दूसरे और जो लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं उनके साथ बॉन्डिंग बनाने में हेल्पफुल होता है, इसलिए ये मेटल मेटल इंटरेक्शन के लिए अनअवेलेबल होता है। और जनरली क्या होता है कि ये लिगेंड से बॉन्डिंग बनाने के लिए सुटेबल होता है, सुटेबल ऑर्बिटल होता है, इसलिए लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करता है। इसलिए केवल 4 ऑर्बिटल dx², dy², dyz, and dxy, तो ये 4 ऑर्बिटल एक के और 4 ऑर्बिटल दूसरे के जब ये लीनियरली कंबाइन करते हैं तो 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, उसमें से 4 बॉन्डिंग होंगे और 4 क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 4 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल होंगे, 8, क्योंकि 4 क्या है बॉन्डिंग, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, 8। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना हो सकता है, अगर केवल बॉन्डिंग ऑर्बिटल भरे हों तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर जो हो सकता है वो हो सकता है 4। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों मेटल सेंटर को अगर हम ले, इसका भी, तो अगर इस वाले मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे मेटल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने वाले हैं, तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। तो बॉन्ड कैसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन d2 है, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ओके। तो अगेन 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इन दी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। अब अगर d4 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, अब हम इस वाले को नहीं बांध रहे हैं, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डेल्टा में, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो ऑर्बिटल है ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो ये जो दो ऑर्बिटल हैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये dx²y² के हैं, तो इसलिए इनको हटा दिया। तो अब आप देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 4, 4 एक के और 4 दूसरे के। जैसे ही हम ऐसा मेटल लेंगे जहां पर कन्फिग्रेशन d5 हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो 10 हो गए, देखो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एंटी बॉन्डिंग बनना शुरू हो गया। तो जैसे ही एंटी बॉन्डिंग बनेगा, आप जानते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, अगेन 3। फिर दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर फिल होंगे, सॉरी यहाँ पर फिल होंगे, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2। फिर दो इलेक्ट्रॉन और फिल होंगे, तो क्या हो जाएगा, 1। और इस तरीके से आप देख रहे हैं, जब d8 बनेगा, क्योंकि ये भी भर जाएगा, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0। तो जो d8 कन्फिग्रेशन होंगे, फिर आप देखेंगे कि जनरली वो इस तरीके के मेटल क्लस्टर्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो बता सकती है कि किस तरीके से सिंगल बॉन्ड बन सकता है, डबल बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, और क्वाड्रपल बॉन्ड बन सकता है मेटल मेटल सेंटर के बीच में, ओके। नेक्स्ट तरीके का जो बॉन्ड हमने कहा वो कहा है डेटिव बॉन्ड। तो डेटिव बॉन्ड क्या कब बनेगा, जब एक ऑर्बिटल का लोन पेयर होगा और दूसरे के पास खाली ऑर्बिटल होगा, तब इस तरीके के डेटिव डेटिव बॉन्ड बनेंगे। सो मेटल विद फेल्ड डी ऑर्बिटल डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल। तो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। और इसे हम किससे दिखाते हैं, एरो से। तो यहां पर अगर आप इस निकिल को देखेंगे, तो ये निकिल के साथ जो इस निकिल को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर d10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, इसके पास d10 इलेक्ट्रॉन, और इस वाले निकिल के पास अगर d8 इलेक्ट्रॉन से हैं, तो ये 10 वाला 8 वाले को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या बना सकता है, डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्योंकि d8 के केस में आप देखेंगे कि बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन सकता है जहां पर एक निकिल तो d10 है और दूसरा निकिल d8 है।
तो क्या कर सकता है, ये इजीली डेटी बॉन्ड शो कर सकता है। तीसरे तरीके का जो इंटरेक्शन हमने कहा वो है वीक मेटल मेटल इंटरेक्शन। और वीक मेटल मेटल इंटरेक्शन का मतलब है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं सिमेट्रिकल ओवरलैप करते हैं। जनरली ये सम बायमेटेलिक और पॉलीमेटेलिक D8 कॉम्प्लेक्स में मिलेगा, क्योंकि D8 में आपने देखा कि वहां पर जनरली कोवलेंट बॉन्ड नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर क्या होंगे, सारे एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल भी फिल्ड हैं, तो कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। उस तरीके से आप देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, एक्चुअली मेटल्स के बीच में इंटरेक्शन है एक तरीके का, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। हालांकि इसकी कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं, क्योंकि इस तरीके के मॉलिक्यूल में कोई मेटल मेटल कोवलेंट बॉन्ड के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। इसका मतलब अगर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो वहां पर क्या हो सकते हैं, वीक इंटरेक्शंस में भी देयर, तो यहां पर क्या हो सकते हैं, वीक इंटरेक्शंस हो सकते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, जो कि क्लासिफिकेशन का पार्ट है, कि जो मेटल क्लस्टर्स हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेटल क्लस्टर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन, दैट इज बेस्ड ऑन मेटल आयन इन द क्लस्टर, किस तरीके के मेटल आयन्स क्लस्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और दूसरे तरीके का जो क्लासिफिकेशन है, इट कैन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लिगेंड, किस तरीके का लिगेंड मेटल क्लस्टर में है उस पर डिपेंड कर सकता है ये दूसरा टाइप, ठीक है। तो अगर हम पहले टाइप को देखेंगे तो आप देखिए जो मेटल क्लस्टर्स हैं उनको मेन टू क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कह सकते हैं पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल्स, नाइट्रोसिल्स एंड अदर रिलेटेड क्लस्टर्स। और दूसरे तरीके के जो क्लस्टर्स हैं उसमें मेटल हैलाइड्स एंड मेटल ऑक्साइड क्लस्टर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं, नाइट्रोसिल्स एंड रिलेटेड क्लस्टर्स हैं, जनरली ये वो मेटल आयंस बनाते हैं विच आर प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप देखेंगे जो 3D सीरीज के मेंबर्स हैं वो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं बहुत आसानी से। और इसके अलावा आप देखेंगे इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोअर होती है, -1 से +1 हो सकती है। जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं या पॉलीन्यूक्लियर नाइट्रोसिल्स होते हैं, ये आप देखेंगे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के जो मेटल्स हैं वो फॉर्म करते हैं। जो हैलाइड्स एंड ऑक्साइड क्लस्टर्स हैं, जनरली दे आर फॉर्म्ड बाय द मेटल आयंस दैट आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जनरली रिहीनियम है, देखिए डाई न्यूक्लियर हैलाइड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ट्राई न्यूक्लियर बना सकता है, टेट्रा न्यूक्लियर बना सकते हैं जो टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है, हेक्सा न्यूक्लियर बना सकते हैं जो मोलिब्डेनम है। तो ये जो लेफ्ट साइड के मेंबर है, राइट साइड के मेंबर हैं जैसे आप देखेंगे निकल है, आयरन है, ये सब क्या बनाते हैं, कार्बोनल्स। और रिहीनियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन अधिकतर आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड के होंगे पीरियोडिक टेबल के, ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं, ओके? तो ये क्या बनाएंगे, हैलाइड और ऑक्साइड क्लस्टर्स। तो ये मेटल आयंस की बेसिस पर हमने क्या किया, क्लस्टर्स को डिवाइड कर दिया। दूसरा जो बेसिस हमारा हो सकता है वो हो सकता है बेस्ड ऑन लिगेंड्स। तो लिगेंड के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो एक इस तरीके के क्लस्टर की क्लास हो सकती है जो कि नेकेड क्लस्टर्स होंगे, जिनमें कोई स्टेबिलाईजिंग लिगेंड होगा ही नहीं, ओके? और एक ऐसे क्लस्टर होंगे जहां पर स्टेबलाइजिंग लिगेंड्स होंगे। तो जो नेकेड क्लस्टर्स होते हैं, जनरली दे आर एटॉमिक क्लस्टर्स, इनको जिंटल क्लस्टर्स भी कहते हैं, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय सिंगल एटॉमिक स्पीसीज और मिक्स्ड एटॉमिक स्पीसीज। तो केवल मेटल सेंटर्स यहां पर होते हैं, जैसे Bi3 3-, Sn9 4-, Pb9 4-, Sb7 3-, Pb10 2-। तो ये जो होंगे यहां पर केवल मेटल आयन से, कोई लिगेंड इनको स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। तो जो बॉन्ड का नेचर है वो मेटालिक हो सकता है, कोवलेंट हो सकता है और आयनिक, इनमें से किसी भी तरीके का बॉन्ड नेचर हो सकता है मेटल और मेटल के बीच में। दूसरे तरीके के जो क्लस्टर्स हैं वो उनमें क्या होते हैं, स्टेबलाइजिंग लिगेंड्स होते हैं। तो जनरली ट्रांजिशन मेटल्स क्लस्टर्स जिनको लिगेंड्स किस किस तरीके के स्टेबलाइज कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हैलाइड्स हैं, आइसोसाइनाइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं, एल्कीन्स हैं, ये लिगेंड्स हैं जो कि इन क्लस्टर्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं, नाइट्रोसिल्स भी कर सकते हैं। तो जनरली जो मेन ग्रुप के मेटल्स, अब यहां पर आप देखेंगे जो मेन ग्रुप के मेटल होते हैं S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो भी क्लस्टर फॉर्मेशन कर सकते हैं।
लेकिन उनको जो स्टेबलाइज करते हैं लिगेंड्स वो होते हैं हाइड्राइड्स। तो एक्चुअली इसमें अगर आप ग्रुप देखेंगे तो ये आप बोरोन हाइड्राइड्स देखेंगे। तो मेन ग्रुप के एलिमेंट भी क्या कर सकते हैं, क्लस्टर बना सकते हैं। हमने कहा था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स है वो कौन बनाते हैं, वो बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। बट जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो भी बना सकते हैं, बट वहां पर जो स्टेबलाइजिंग लिगेंड होगा वो क्या होगा, हाइड्राइड होगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स हो सकते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स में आप देखेंगे ये हम इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये हो सकते हैं लो न्यूक्लियर लिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स, यानी इनकी न्यूक्लियरिटी कम है। देखिए जो मेटल सेंटर्स हैं दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, अप टू फोर, डाई ट्राई एंड टेट्रा। और एक हो सकते हैं हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स, मतलब इसमें जो क्लस जो न्यूक्लियस होंगे जो मेटल सेंटर होंगे वो चार से ज्यादा होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 13, 12, 6, 6, तो चार से ज्यादा जब मेटल सेंटर्स होंगे तो उसको हम कहेंगे हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल्स क्लस्टर्स। ओके, तो एक ग्रुप हो गया जिसमें कि कार्बोनिक क्लस्टर्स आ गए। दूसरे में आप देखेंगे ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कार्बन क्लस्टर्स। तो यहां पर आप देखिए ये कार्बन भी आपको यहां पर दिखाई देगा, देखिए कार्बन है, तो कार्बन प्लस जो मेटल है ये क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं और इनको स्टेबलाइजिंग जो लिगेंड्स हैं वो कार्बोनिल्स हैं। कोई एल्काइल ग्रुप्स में भी पॉसिबल, एक्वा मॉलिक्यूल्स में भी पॉसिबल। द थर्ड कैटेगरी इज ट्रांजिशन मेटल हैलाइड क्लस्टर्स। तो जो ये मेटल सेंटर है इनको जो स्टेबलाइज करने वाले लिगेंड हैं वो हैलाइड से हैं, जैसे रेनियम है, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन हमने कहा, तो यहाँ पर मेटल हैलाइड क्लस्टर्स बन सकते हैं। बोरोन हाइड्राइड्स ये मेन ग्रुप एलिमेंट से हैं और ये जो क्लस्टर बनाते हैं वो हाइड्राइड्स के साथ बनाते हैं। देन FES क्लस्टर्स हो सकते हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजनस एंजाइम में या फेरोडेक्सिन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर FES टाइप के क्लस्टर्स भी मिलते हैं जो कि नेचुरल अकरिंग है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल क्लस्टर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल क्लस्टर्स। तो अगेन यू कैन सी दैट हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर। हमने पढ़ा कि जो मेटल क्लस्टर्स होते हैं वो उस तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां पर क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्ड होता है। अब ये जनरली क्या होते हैं, वैसे तो होमोमेटेलिक होते हैं, हेट्रोमेटेलिक बहुत कम होते हैं। और यहाँ पर जो क्यों जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं वो अधिकतर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनमें एस पी और डी ऑर्बिटल मिलता है। और तीन तरीके की ये बॉन्ड बनाते हैं मेटल क्लस्टर्स का, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटी बॉन्ड एंड वीक इंटरेक्शंस। अब आपने देखा कि जनरली ये जो ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स, उसमें डी जेड स्क्वायर, डी वाई एक्स, डी एक्स जेड एंड डी एक्स वाई, ये सिंगल बॉन्ड बनवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल सेंटर। डबल बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है या क्वाड्रपल बॉन्ड। जनरली जो फाइव बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता है मेटल क्लस्टर्स का, क्योंकि जो डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इट इन्वॉल्व्ड इन अदर टाइप ऑफ बॉन्ड्स विद द अदर लिगेंड्स। ओके, दूसरे तरीके के जो बॉन्ड है वो डेटी बॉन्ड हो सकते हैं। और तीसरे तरीके के बॉन्ड हो सकते हैं वीक इंटरेक्शन, जहां पर किसी भी तरीके का बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी ना तो वहां पर डेटिव बनेगा और ना ही वहां पर कोवेलेंट बनेगा। तो वहां पर जो बॉन्ड जो इंटरेक्शन होगा वीक मेटल मेटल इंटरेक्शन होगा। फिर आपने देखा जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से हो सकता है, एक बेस्ड ऑन मेटल आयन और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द लिगेंड, किस तरीके के लिगेंड हैं और लिगेंड है भी या नहीं है उस पर डिपेंड करता है मेटल क्लस्टर्स का क्लासिफिकेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट the classification of metal clusters and introduction. In the next lecture we will discuss about higher borans. Borans ko hum study karenge next lecture mein. So thank you very much.